हाय वर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मृति कोरी अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज तो मेरा सिक्स डे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जा रहा है, सो आज हम लोग का एक एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से घर छोड़ के यहाँ पे हूँ। घर को भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ, तो फाइनली मैं घर जाने वाली हूँ। लेकिन आज घर जाते वक्त ये भी एक बात मतलब बुरा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन से हम लोग इतने लोग एक साथ थे, सो एक दूसरे को बहुत मिस भी करेंगे। बट क्या करें, घर तो जाना पड़ेगा। तो फिलहाल भी हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने, देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या मिला है। बाकी सब जाके बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट में, तो मैं भी चलती हूँ। और आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने। की आज को सुना ली कौन किया था। ज्यादा लोगों को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग का बेस में बहुत पुराना हम लोग का साथ एक बैंक मित्र थी, बट उससे बहुत दिन से हम लोग मुलाकात नहीं हुआ था। लेकिन आज हम लोग को सरप्राइज वही मिला कि वो बैंक मित्र को बुलाया गया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैं आज आपको उससे मिलाती हूँ, जो कि हमारा आज का स्पेशल गेस्ट है विद्या, जो उससे मैं मीट कराती हूँ आज आप लोगों को, जो कि हम उससे मिसिंग थी इतना दिन से, 6 दिन से, लेकिन आज फाइनली आ गई। तो ये है हमारी फ्रेंड विद्या, जो कि मिसिंग थी, बहुत मिस किया हम लोगों ने क्लास करते बच्चे, क्योंकि इतना दिन से एक साथ थे। बट फिर आज वो दिन आ गया जो कि फाइनली हम लोग एक दूसरे के साथ आ गए, मिल गए, सो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा होगा कि हम लोग से फिर से मिल के, सो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आज हम लोग
आज हम लोग का 6 डे का ट्रेनिंग जो भी था कम्प्लीट हो गया, एग्जाम भी खत्म हो गया। उसके बाद हमारे एक मैडम है, उनका आज बर्थडे था, सो बर्थडे हम लोग सबको मिलकर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया उनका, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। जो एक तरह एक केक हम लोग की तरफ से था, एक केक ऑफिस के थ्रू से था, तो वो सब करके बर्थडे केक काटा, जो कि बर्थडे खत्म हो गया और बहुत ही मस्ती हुआ। सो आज का दिन हमेशा याद रहेगा हम लोग को। अच्छा, जब भी हम लोग RCT सेंटर में आते हैं ना, कभी कुछ ऐसा मोमेंट होता है जो हमें याद ही रह जाता है। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अभी भी वाला गाय ऐसे हो, जब फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में आएंगे तब देखना कुछ एक नया और कुछ एक नया मोमेंट हो जाएगा जो भूल नहीं पाते हम लोग। सो RCT का ये चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगता है, जो कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, प्लस मतलब बहुत ही मस्ती होता है, बहुत इंजॉय होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी देख सकते हो पीछे हम लोग और भी हैं, जो कि वो फोटो उठने हैं बेस्ट है। और अभी हम लोग का लंच टाइम हो गया, सो अभी हम लोग चलेंगे लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हम लोग अपना अपना पैकिंग वगैरह करेंगे, फिर घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं लंच करने। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच करूँगी, बैग वगैरह सब पैकिंग हो गया, लंच करने के बाद मैं निकल जाऊँगी। चलो चलते हैं लंच करने के लिए। और तो अभी देख सकते हो कि हम लोग छत के ऊपर आए हैं, और जाते वक्त लास्ट टाइम सोचा थोड़ा फोटोशूट हो जाए, तो अभी फोटोशूट चल रहा है। यहाँ पे एक से बड़ा एक मॉडल खड़े हैं, उनका फोटोशूट किया जा रहा है। अभी और एक मॉडल को दिखाती हूँ, जो कि हमारी सबसे छोटी मॉडल है। कहाँ चली गई सोनाली, कहाँ गई कहने? तो वो भी थोड़ा नीचे चली गई है, थोड़ी देर बाद हम लोग उससे मिल पाएंगे। सो आज का ब्लॉग यही था, छत आज का हम लोग का बिल्डिंग का छत ही तक, आज के बाद कब आएंगे पता नहीं। सो इसलिए लास्ट टाइम मैं छत का एक वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को ब्लॉग। टुक पे बैठ चुके हैं और जा रहे हैं कलकत्ता मार्केट से होके निकल के, उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर। सो चलते हैं कलकत्ता मार्केट। तो फाइनली हम लोग कलकत्ता बाजार पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये कलकत्ता बाजार करीमगंज नया ओपन हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। सो अभी मैं कलकत्ता बाजार के अंदर एंट्री करेंगे हम लोग। चलो चलते हैं कलकत्ता बाजार।